देश भर के अंदर आज निर्जला एकादशी का त्यौहार मनाया जा रहा है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करने के बाद श्रद्धालु जन मीठा जल और फल का दान कर रहे हैं। गलियों मोहल्लों और बाजारों के अंदर श्रद्धालुओं द्वारा इस भीषण गर्मी में प्यास बुझाने के लिए जल की सेवा की जा रही है। ऐतिहासिक शहर समाना की अदालत के सीनियर डिवीजन सिविल जज अमरजीत सिंह, जूनियर डिवीजन सिविल जज जसवीर सिंह एवं जूनियर डिवीजन सिविल जज रमनदीप कौर एवं सरकारी वकीलों ने समाना पटियाला पात्रा सड़क पर कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर राहगीरों को ठंडा मीठा जल पिलाने की सेवा की। त्रिमूर्ति गुरु मंदिर चौक बाजार समाना के संत समाज एवं श्रद्धालुओं ने भी निर्जला एकादशी पर राहगीरों को ठंडा मीठा जल पिलाया। इस मौके पर साध्वी संत दयाल सेवानंद ने कहा कि मानव का फर्ज है कि वह किसी न किसी रूप में समाज में सेवा करे और इस एकादशी को भीषण एकादशी भी कहते हैं। इस दिन लोग ठंडे मीठे जल की सेवा करते हैं एवं पंखे और फलों का दान भी करते हैं। आजाद टीवी न्यूज के लिए समाना से कैमरामैन बालकृष्ण गर्ग के साथ नेहा कौशिक की रिपोर्ट। हाँ जी, आज निर्जल एकादशी पूरे भारतवर्ष के अंदर बड़े प्रेम श्रद्धा नाल मनाया जाता है। हाँ जी, इस एकादशी नूं भीमसैनी एकादशी भी कहा जाता है, गड़े पक्षियां की एकादशी भी कहा जाता है। और इस दिन गर्मी जिहड़ी अपने पूरे जोबन दे हुंदी है। पुरातन समय दे विच जिस तरह इतिहास दे विच लिखा जाता है कि माता कुंती ने यह एकादशी जो थी अपने पुत्र भीमसैन को रखवाई और इस दिन घड़े पखे दान करके तो जीवन का सारे ही है कि महापुरशा ने जड़े भी त्यौहार बनाए ने, जो भी तिथियां बनाइया ने, असी उन्होंने चल के दान पुन करके अपने जीवन को सार्थक करिए, अपने जीवन को पावन बनाइए, जीवन का ही उद्देश्य है। तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि भीमसेन, यदि तुम साल भर में एकादशियाँ नहीं रख सकते हो हर महीने की, तो साल में एकादशी रखा करो, जिसको निर्जला एकादशी भी कहते हैं। तो भीमसेन ने जो है इस निर्जला एकादशी का व्रत रखा था और इस एकादशी के व्रत को रखने से सारे साल की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। जल और फल का दान करते हैं, इसका क्या मतलब? हाँ, इसलिए कि जो लोग इसका दान करते हैं उनको जो है अक्षय तृप्ति हो जाती है, अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। धन्यवाद। तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि भीमसेन, यदि तुम साल भर में एकादशियाँ नहीं रख सकते हो हर महीने की, तो साल में एकादशी रखा करो, जिसको निर्जला एकादशी भी कहते हैं। तो भीमसेन ने जो है इस निर्जला एकादशी का व्रत रखा था और इस एकादशी के व्रत को रखने से सारे साल की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। जल और फल का दान करते हैं, इसका क्या मतलब? हाँ, इसलिए कि जो लोग इसका दान करते हैं उनको जो है अक्षय तृप्ति हो जाती है, अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। धन्यवाद।